द स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसमें कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी इस एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी ये जो बेस है ए इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। और फिर एक कंडीशन दे रहा है कि जो ये बेस ए है ये ए इज़ नॉट इक्वल टू वन, यानी ये वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी वन तो होना ही नहीं चाहिए बेस इसका, वन से ग्रेटर कुछ भी हो जाए। तो हम लोग लॉग एक्स का डेरिवेटिव पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, बस सेम वही करना है हमको। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि बेस ए को चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आगे जो स्टेप मिलेगा हम उसमें आपको बताएंगे क्यों चेंज कर रहे हैं। फिलहाल फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा जो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, इस फार्मूले से हम लोगों ने कई फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे लॉग एक्स बेस ए के लिए। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, लॉग एक्स बेस ए। तो एफ एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स बेस ए। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एच बेस ए। ये हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है लॉग बेस ए एक्स प्लस एच एंड माइनस लॉग बेस ए एक्स ओवर एच। ये है वो ने क्या पढ़ा है लॉगरिथमिक में, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन होता है। ये फार्मूला हम लोग ने लॉगरिथमिक में पढ़ा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एम कंसीडर करेंगे और इसको एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग ज़ीरो ये हो गया लॉग बेस ए एक्स प्लस एच अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स को कॉमन कर लेते हैं ऊपर से, तो जब आप कॉमन करोगे तो मिल जाएगा आपको लिमिट एच टेंडिंग ज़ीरो लॉग बेस ए, एक्स को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर तो वन हो गया प्लस यहाँ पर एक्स नहीं था तो ये हो गया एच बाई एक्स अपॉन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई एच। ये हो गया। अब यहाँ देखें तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, तो आपको अगला स्टेप क्या मिला, लिमिट एच टेंडिंग ज़ीरो ये मिल जाएगा आपको लॉग बेस ए वन प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच। ये हो गया। सर यहाँ पर बेस ए है और हम लोग कैलकुलस में एक वैल्यू जानते हैं लॉग वन प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पर बेस ई होता है और ये वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पर एच बाई एक्स रख लें तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई वन प्लस एच बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एक्स माइनस एच बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस एच बाई एक्स होल क्यूब बाई थ्री माइनस डैश डैश एंड सो ऑन। यहाँ पर बेस ई, यदि बेस ई होता तो हम लोग सीधा इस फार्मूले को यहाँ पर लगा सकते थे, इस वैल्यू को रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर बेस ए है। सबसे पहले हम लोग इस बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन आपके पास है लॉग एक्स ई है, लॉग एक्स बेस ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई एक्स इंटू लॉग बेस ए ई, ये हम लोग लिख सकते हैं।
यानी अगर हमको log x बेस a को चेंज करना हुआ तो हम लोग इसकी जगह पर log x बेस e इंटू log e बेस a लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो क्या मिल जाएगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉग ई बेस ई वन प्लस एच बाई एक्स एंड इनटू, यहाँ पर जो एक्स था वही एक्स यहाँ है, तो जो एक्स यहाँ पर है वही एक्स यहाँ हो गया, इनटू लॉग ई और बेस ए, लॉग ई बेस ए अपॉन एच, ये हो गया। अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, तो रख लेते हैं। क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच बाई एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एच क्यूब बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस डैश डैश इंटू लॉग ई बेस ए अपॉन एच, ये हो गया। अब देखें तो एच बाई एक्स हर टर्म में मिलेगा आपको, एच बाई एक्स, एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एच क्यूब बाई एक्स क्यूब, एच पावर फोर बाई एक्स पावर फोर। तो एच बाई एक्स को हम कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया, लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच बाई एक्स को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर तो वन बच गया, माइनस यहाँ पर बच गया एच बाई टू एक्स, प्लस यहाँ पर बच गया एच स्क्वायर बाई थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस डैश डैश एंड सो ऑन इंटू लॉग ई बेस ए ओवर एच, ये हो गया। इस एच से ये एच कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो वन बाई एक्स एंड वन माइनस एच बाई टू एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश इंटू लॉग ई बेस ए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑपरेट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ पर हमको एच दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम लोग जीरो पुट कर देंगे। करते हैं वन बाई एक्स वन माइनस, यहाँ एच है तो जीरो बाई टू एक्स, प्लस यहाँ एच है तो जीरो बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश एंड सो ऑन इंटू लॉग ई बेस। अब देखें तो यहाँ एच था जीरो कर दिया, यहाँ एच है जीरो कर दिया, आगे स्टेप में एच मिलेगा जीरो कर देंगे, यानी वन को छोड़कर बाकी सारे स्टेप क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हमको वैल्यू क्या मिल गई फाइनल, वन बाई एक्स वन माइनस जीरो इंटू लॉग ई बेस ए, ये हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स लॉग ई बेस ए, या डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वन बाई एक्स लॉग ई बेस ये। ये होता है आपका लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको फाइंड कर लिया।